दोस्तों नमस्कार, माय एडवाइस प्लेस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो स्पेशली सोडा बोतल फिलिंग प्लांट ऑटोमेटिक मॉडल सेंसर सिस्टम वाला मॉडल है। एक घंटे में 1500 बोतल तक का प्रोडक्शन आप निकाल सकते हो मशीन के अंदर से। पूरी मशीन सेंसिंग सिस्टम से चलेगी, ऑटोमेटिक मशीन है, प्लस बूस्टर क्वालिटी का सोडा निकलेगा। दोस्तों आप ये मशीन में से इस तरह का बेहतरीन क्वालिटी का जीरा फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर, फ्रूट बियर फ्लेवर, डिफरेंट डिफरेंट 40 तरीके का अलग अलग फ्लेवर और वेरायटी निकाल सकते हो। इस तरह की मशीन आपने आज तक कहीं पे मार्केट में नहीं देखी होगी, क्योंकि पूरी मशीन ऑटोमेटिक है और हाई प्रोडक्शन मशीन है, प्लस डबल चिलर सिस्टम है, प्लस सॉफ्टवेयर सिस्टम हमने पीएचडी डिस्प्ले डाला हुआ है इसके अंदर। आप देख सकते हैं ये पूरा पीएलसी सॉफ्टवेयर बेस्ड डिस्प्ले डाला है इसके अंदर। इसमें आप 20 एमएल से लेते के 5 लीटर तक का बोतल का प्रोडक्शन कर सकते हो दोस्तों मशीन में से। तो आज की तारीख में सबसे लेटेस्ट और एडवांटेज वाली मशीन दोस्तों इस तरह का प्लान लगा के खुद का अपना एक ब्रांड स्टार्ट कीजिए। जैसे पेप्सी, थम्स अप, कोका कोला का ब्रांड रहता है, वो हिसाब का अपना खुद का एक ब्रांड स्टार्ट कीजिए दोस्तों। हमारे से जो कस्टमर छोटे मशीन ले गए, मिनी प्लांट ले गए, वो आज की तारीख में बड़े प्लांट बुकिंग करा रहे हैं हमारे से, क्योंकि उनका बिजनेस इतना डेवलप हो चुका है कि वो छोटे प्लांट से पहुंच नहीं पाते, उतना क्वांटिटी निकाल नहीं पाते। उसके हिसाब से बड़े प्लांट का हमारे कस्टमर हमको रिवर्स ऑर्डर्स देते रहते हैं इसके अंदर। तो आप भी दोस्तों स्टार्टिंग इस प्लांट से कीजिए और अपना एक ग्रो अप बनाइए दोस्तों, अपना एक ब्रांड बाजार में उतारिए। ये बिजनेस 12 महीना चलने वाला है दोस्तों, लेकिन गर्मियों में ज्यादा चलता है, ठंडियों में कम चलता है, बारिश में कम चलता है, लेकिन चलता जरूर है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं आपको स्टार्ट करके बताता हूं मशीन में कैसे ऑपरेट की जाती है। ये बोतल 200 ml का बोतल है, इसका हमने भी 200 ml का सेटिंग करके रखा हुआ है। सोडा और सिरप एक ही हेड में से निकलेगा, अलग-अलग भरने का जरूरत नहीं है। जो बाजार में सेमी ऑटोमेटिक मशीन मिलती है वैसी मशीन नहीं है, ये पूरी ऑटोमेटिक मशीन दोस्तों। सोडा और सिरप एक में से निकलता है, प्लस सेंसर वर्क पे काम करती है। थोड़ा वीडियो जूम करके यहां का बताइए व्यूअर्स को। अब ये क्लैंप में मशीन लगाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं क्लैंप में, ये क्लैंप में मशीन लगा दिया है, इसलिए यहाँ से सोडा गिरना स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं पहले, उसके बाद यहाँ से सिरप गिरना स्टार्ट होगा। सोडा बंद हो गया, अभी सिरप गिरेगा। इसमें हमने वड़ियाली का फ्लेवर डाला हुआ है ऑलरेडी, ये आप देख सकते हैं वड़ियाली का फ्लेवर निकला है। जैसे कि क्वांटिटी ओवरफ्लो हो गया, अभी हम इसको क्वांटिटी को कम करना है, तो इसको क्वांटिटी को हम कम भी कर देंगे यहाँ से। ये आप देख सकते हैं इसका सेटिंग बोर्ड है, यहाँ से हम उसको सेट कर देंगे, ये 4 नंबर कर देंगे इसको, इसलिए अभी क्वांटिटी इसका पहले से कम गिरेगा। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें हमने कोई बटन या कुछ भी नहीं दबाया दोस्तों, ऑटोमेटिकली गिर रहा है सब चीज इसमें से। ये आप देख सकते हैं पहले सोडा निकला, फिर सिरप निकला, ये क्वांटिटी पहले से कम हो चुका है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी दूसरा भी आपको बोतल भर के बताऊंगा मैं, अभी तीनों तीन बोतल एक जैसे समान भर के आपको बताऊंगा कि इसमें कोई, आपने एक बार सेट कर दिया इसलिए एक जैसा ही निकलता है इसमें से। आप देखिए पहले सोडा निकला, उसके बाद सिरप निकलेंगे इसमें से, आप देख सकते हैं। ये दूसरे बाद हम सोडा निकालेंगे इसमें से, आप देख सकते हैं पहले। ये देख लिए क्वांटिटी अभी सेम हो चुका है, सेटिंग परफेक्ट हो चुका है इसका, ये 200 ml का। अभी दूसरा बोतल ऐसे ही निकालेंगे हम इसके अंदर, पहले सोडा निकला, उसके बाद सिरप निकलेगा, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये क्वांटिटी लेवल देखिए आप दोनों का, ये दूसरा भरा, उसके बाद हम तीसरा भरेंगे। इसका फ्लो देखिए दोस्तों, फ्लो कैसा आ रहा है उसके अंदर से वो देखिए आप, वेरिएशन जरा भी नहीं आएगा। आपने जो वन टाइम सेट किया वो हिसाब से उसका सेटिंग से गिरेगा इसमें से सोडा। या तीनों का बोतल का वेरिएशन देखिए दोस्तों, इसमें जरा भी वेरिएशन नहीं है, तीनों बोतल बाजू बाजू में पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। ऐसा आपको कोई मशीन बना के दिखाएगा नहीं दोस्तों, क्योंकि उसमें वेरिएशन आता है, इसलिए वो लोग आपको कोई भी बताएंगे नहीं कि कितना बोतल भरा, कितना दूसरा भरा, कितना तीसरा भरा, वो कोई भी आपको शो नहीं करेगा वो चीज। उसके बाद यहाँ पे कैपिंग का बाउल दिया गया हमने, कैपिंग का बाउल है, बटन चालू करके आपको कैपिंग लगा देना है, इसका ढक्कन है, ढक्कन लगाना है। एक कैपिंग हो चुका है, दूसरा हम बोतल को कैप करेंगे, एक कैप हो चुका है, तीसरा बोतल को कैप करेंगे, एक कैप हो चुका है, ये तीनों बोतल कैप कर दिया। इस टाइप से ये साइड भी आप ऐसे ही भर सकते हो। अभी इसके अंदर ये साइड में हमने प्लेन सादा सोडा डाला हुआ है, तो अभी हम इसमें प्लेन सादा सोडा आपको निकाल के बताएंगे। अभी इसमें ओनली सोडा ही है, तो आपको सोडा निकाल के बताएंगे इसके अंदर। फिर सिरप को हम बंद कर देंगे, कोई कस्टमर को खाली बूस्टर सोडा ही भरना है तो उसमें से
ये सोडा भर रहे हैं, आप देख सकते हैं सोडा फिल हो रहा है इसमें, ओनली प्लेन सोडा है। उसको हम सेटिंग थोड़ा बढ़ा देंगे इसके अंदर, ये ऊपर सेट कर दिया इसको। अब ये 7 नंबर के हिसाब से इसका हम बोतल भर के आपको बताएंगे इसके अंदर। ये आप देख सकते हैं 7 नंबर के लेवल के हिसाब से हमने भरा है इसके अंदर। ये बोतल यहां तक भर चुका है, अभी उसके बाद मैं आपको दूसरा बोतल भर के भी बताऊंगा इसमें से। बटन हमने कोई भी दबाया नहीं है इसके अंदर दोस्तों, आप देख सकते हैं ये अभी सेट हो चुका है, इस टाइप का सेटिंग हो कर दिया हमने इसमें। आप देखिए दूसरा बोतल है, ये बाजू में दूसरा बोतल है, दोनों बाजू बाजू में। अभी दूसरे दो बोतल भी भर के बताऊंगा मैं आपको। जब सोडा गिरेगा यहाँ पे बत्ती होगा, उसका लाइट होगा। ये आपको लाइव इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको मालूम होगा कि क्या चीज बाजार में मिल रहा है, क्या चीज हम आपको दे रहे हैं दोस्तों इसके अंदर। एक समान लेवल आप देख सकते हैं, तीनों काम ने लंबा समान लेवल कर दिए इसके अंदर, एक जैसे ही तीनों बोतल भर चुका है इसके अंदर। और कई बार ऐसा होता है कि आपको सेंसर सिस्टम काम नहीं करता, उसके लिए इमरजेंसी में हमने आपको बटन दिया है, ये बटन दबा के भी आप सोडा निकाल सकते हैं। आप देखिए ये बटन दबा के भी आप सोडा इसमें से निकाल सकते हो दोस्तों। 2-in-1 फंक्शन है, कोई एक फंक्शन नहीं है, डबल फंक्शन हमने दिए गए मशीन का दोस्तों। हम पूरा पैकेज देंगे इसके, दो दो टन के दो आउटडोर आएंगे, आरओ प्लांट आएगा, बोतल वॉशर, फ्लेवर मिक्सचर, सब चीज मशीन के साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री में मिला जाएगा। उसकी सब एसेसरीज है वो कॉम्प्लीमेंट्री में मिलेगी, प्लस आपको डेट कोडिंग मशीन चाहिए तो इस टाइप का ऑटोमेटिक डेट कोडिंग मशीन भी आप ले सकते हो। डेट कोडिंग है तारीख लगाने के लिए, बैच नंबर लगाने के लिए ऑटोमेटिक डेट कोडिंग मशीन है दोस्तों। ये आप डेट कोडिंग मशीन देख सकते हो यहाँ पे, ये डेट कोडिंग मशीन है, यहाँ पे इसमें डेट लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे डेट लगा है, जो भी डेट है इसका डेट यहाँ पे आप लगा सकते हो, 26/2/2022 देखिए। अब ऐसे आप उसको ऑटोमेटिक डेट कोड भी कर सकते हो दोस्तों इसके अंदर। तो दोस्तों ये मशीन चाहिए, इसका एडिशनल चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज आप कंपनी में पूछ के ये मशीन अगर चाहिए तो इसको भी बुक करा सकते हो। प्लस कॉस्टिंग की बात कर दो दोस्तों, इस तरह का बेहतरीन क्वालिटी का 200 ml का अगर आप फ्लेवर लैंडिंग करते हो, बनाते हो, तो 4.70 रुपया में आपको एक बोतल लैंडिंग आता है। बाजार में 10 रुपये में बिकता है, रिटेल में 10 रुपये में बिकता है, आप होलसेलर को 8.5-8 रुपये तक दे सकते हो। मशीन की कैपेसिटी एक घंटे में 1400-1500 बोतल की, लेकिन आपका काम नहीं आए, नहीं आदमी है तो आप 1200 बोतल भी गिनो, 10 घंटे में 12000 बोतल का प्रोडक्शन, एक बोतल पे 3 रुपये का नेट प्रॉफिट गिनो मिनिमम, तो 12×3=36,000 का आपको नेट डेली प्रॉफिट मिल सकता है बिजनेस करके दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह का बेहतरीन क्वालिटी का बिजनेस और मशीन लेने के लिए डॉल्फिन अप्लायंस में एक बार अवश्य कांटेक्ट करें दोस्तों, हमारी टीम आपको पूरा सजेस्ट और पूरा गाइडेंस देंगी। समर सीजन स्टार्ट हो चुका है, गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, तो इस तरीके का बिजनेस बहुत जल्द स्टार्ट कीजिए क्योंकि मशीन ऑर्डर देने के बाद मैन्युफैक्चर भी टाइम लगता है इसके अंदर। दोस्तों इस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो।